नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल राणा वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार से जुड़ी हुई नई नई खबरें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ वैकेंसीज ना लेकर आज मैं आपके लिए एक प्रोसीजर लेकर आया हूं, एयर इंडिया केबिन क्रू की वैकेंसीज फिलअप करने का, कैसे उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आपको बताऊं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, ऊपर ये जो आई बटन है, वैकेंसीज फ्लैश हो रही है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट डेट अभी नहीं निकली है, हो सकता है ये आपके आपके किसी फ्रेंड के काम की हो, और ये हर आधे आधे मिनट में एक वैकेंसी ऊपर फ्लैश होती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इनके बारे में आपको बता देता हूं। ये जो एयर इंडिया की वैकेंसीज निकली थी, इनको आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने इनके लिए एक वीडियो बनाकर डाला था। ये देखिए, ये है 42 केबिन क्रू। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप जैसे ये वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के नीचे की तरफ जो इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, ये नीचे सबसे नीचे ये शो मोर का ऑप्शन है, शो मोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा ये डिस्क्रिप्शन ओपन करके दिखा देगा और आपको इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एयर इंडिया ने जारी किया था वो मिल जाएगा। उसका लिंक यहाँ पे है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ से ये अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहीं से आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए, चलते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपको एयर इंडिया के ऑफिशियल वेब पेज पे ले जाएगा, आप यहाँ से इसके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं, और इसमें देखिए सबसे लास्ट में जो है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर केबिन क्रू, इसका ऑप्शन है, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ले जाएगा। इसमें इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, किस रीजन में, जो कि आपको मैंने बताई थी, किस रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, किसके लिए हैं। तो आप इसमें ये जो तीसरा ऑप्शन है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रेनी केबिन क्रू, ये आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जाएंगे, ये आपसे अप्लाई ऑनलाइन के लिए पूछेगा। और इससे पहले दोस्तों, आपके पास जो है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन में। तो आप जैसे ही, ये सिंगल पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, जिसमें आपको ये फिल करना है, आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए किस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सेकेंड है जेंडर, नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी स्टेट ऑफ ओरिजिन मतलब किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और नेक्स्ट है रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है, कैंडिडेट का नेम जो कि आपके 10th की जो मार्कशीट है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका नाम है वही आपको यहाँ फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपका एड्रेस, आपका ये जो है स्टेट वगैरह, कम्युनिकेशन एड्रेस, स्टेट और पिन कोड ये जरूरी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा किसी रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से, उसके हिसाब से डॉक्टर का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, और जो डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट में लिख के देगा, आपका हाइट, वेट और BMI, वो सभी आपको यहाँ पे रखना है। BMI कैलकुलेशन के लिए यहाँ इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है कैसे करना है, ये देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कैलकुलेट करके भर सकते हैं। स्पीच, क्योंकि आपके एयर होस्टेस फ्लाइट अटेंडेंट की ये पोस्ट है, तो दोस्तों इसमें आपकी स्पीच वगैरह कैसी है वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका जो आईज है, विजन, ग्लास वगैरह है तो वो बताना है, अगर नॉर्मल है तो वो बताना है, अगर आपने कोई सर्जरी वगैरह कराई हुई है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन तो आपको पता ही है, इसमें बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट या फिर डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट मांगा हुआ था, तो वो आपको यहाँ फिल करना है। इसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी जरूर यहाँ फिल कीजिए। लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों मांगी हुई है, तो अगर आपको है फ्लुएंसी तो वो आप यहाँ जरूर डालिए, और इसके अलावा कोई इंडियन लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो भी यहाँ आप जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट होगा। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर में आपका जो लैंडलाइन है वो, या फिर मोबाइल नंबर है वो, दोनों कोई भी भर सकते हैं, और ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना फोटो चूज करना है, यहाँ इन्होंने बड़ा बड़ा मार्क किया हुआ है JPG फॉर्मेट में, 10 KB से 35 KB के बीच। दोस्तों मेन प्रॉब्लम आती है फोटो को कंप्रेस करने में, आप स्कैन कीजिए, और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की यूटिलिटी है, राइट क्लिक करके फोटो पे ओपन कीजिए, ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर व्यूअर, और उसके साथ आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, वो बड़ा इजीली हो जाता है, उसके लिए मैं वीडियो एक बना दूंगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप प्रीव्यूज में जाके उसके बाद इसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।